नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोभित एकेडमी में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपका जूनियर का पेपर जो 6 से 8 का पेपर था, उसमें जो आपका जनरल साइंस का पेपर था उसके बारे में, ठीक है। यानी कि इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं आपके इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के, इसमें जो क्वेश्चन आए थे उनके बारे में, ठीक है। इसके पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जो आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी में क्वेश्चन आए थे उनके बारे में, ठीक है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक पड़ा है, उस पर जाकर आप वीडियो देख सकते हैं, जिससे आप हिस्ट्री और जो आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्वेश्चन थे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए हमारा क्वेश्चन जो आया था, ये 150 नंबर का पेपर हमारा आया था, और इन 150 नंबर में हमारा जो पेपर बटा था वो दो भागों में बटा था, यानी कि 30 नंबर लैंग्वेज के थे हमें करने, और जो 120 नंबर हमें करने थे हमारे सब्जेक्ट के थे, ठीक। तो इसमें कुछ बच्चों के पास जो सब्जेक्ट था लैंग्वेज वाला, उस पर कुछ बच्चों के पास था आपका हिस्ट्री और जियोग्राफी, ये था, और कुछ बच्चों के पास था इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस। तो हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक के क्वेश्चन के बारे में, हिस्ट्री ज्योग्राफी के बारे में हम बात कर चुके थे, ठीक। चलिए देखते हैं। और इसमें जो लैंग्वेज के क्वेश्चन आपके आए थे, लैंग्वेज और जीएस के, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था, ठीक है। उसका भी लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए आपका पेपर आया था, इसमें सबसे पहले 30 नंबर जो आपके थे लैंग्वेज के थे, देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन मिक्स थे, इसमें आपको सिर्फ 9 नंबर पासिंग मार्क्स लाना था, ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद आपके 40 नंबर क्वेश्चन आए थे जनरल साइंस के, यानी कि उसमें कुछ क्वेश्चन मैथ के थे, कुछ साइंस के थे, कुछ रीजनिंग के थे, वो भी हमने डिस्कस कर लिया था पिछले वीडियो में। इस वीडियो में सिर्फ डिस्कस करेंगे आपके जो क्वेश्चन थे 80 क्वेश्चन उनके बारे में, जो 40 क्वेश्चन आपके होंगे इकोनॉमिक्स के, 40 क्वेश्चन होंगे आपके पॉलिटिकल साइंस के, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं इकोनॉमिक्स पे। देखिए हमने इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन खोल लिए हैं, हमारा पहला क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है, ये देखिए ये इकोनॉमिक्स का है, इसमें 40 क्वेश्चन पूछे गए थे, चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है, यहाँ पर देखिए, शिशु मृत्यु दर है उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। दूसरा है, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 5 वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। अगला हमें ऑप्शन दिया गया था, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में 6 महीने की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या। और हमारा आखिरी क्वेश्चन था, आखिरी ऑप्शन था उपयुक्त में से एक से अधिक, और इसके बाद था हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें जो आपका निकल कर आता है वो पहला निकल कर आता है, यानी कि पहला ऑप्शन इसमें सही था, उस विशेष वर्ष में पैदा हुए बच्चे 1000 जीवित बच्चों के अनुपात के रूप में एक वर्ष की आयु से पहले मरने वाले बच्चों की संख्या, इसे कहा जाता है शिशु मृत्यु दर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, देश की कुल आय को इसकी जनसंख्या से विभाजित करने पर प्राप्त आय को कहा जाता है राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू उत्पाद, प्रति व्यक्ति आय, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि प्रतिव्यक्त आय, ठीक। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में देशों की तुलना किस आधार पर की गई है, प्रतिव्यक्ति आय पर, स्वास्थ्य की स्थिति, लोगों का शिक्षा स्तर। इसके बाद में ऑप्शन दिया गया था, उपयुक्त में से एक से अधिक सही या इसमें से कोई सही नहीं है, ठीक है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आपका आता है डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों को बनाए रखकर आर्थिक विकास करना कहलाता है नियोजित विकास, सतत विकास, मानव विकास, या इनमें से एक से अधिक सही, इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है बी, यानी कि सतत विकास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 से 10 आयु वर्ग के कुल बच्चों में से स्कूल जाने वाले बच्चों के अनुपात प्रतिशत को कहा जाता है सकल नामांकन अनुपात, शुद्ध उपस्थित अनुपात, शुद्ध नामांकन अनुपात, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि शुद्ध उपस्थित अनुपात। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है,
परिवहन, मछली पकड़ना, बैंकिंग, इसमें से एक से ज़्यादा सही, इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन निकल कर आता है इसमें से डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में दिया गया है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में निम्नलिखित में से किस जिले में ग्रामीण साक्षरता दर सबसे अधिक है? रोहतास और औरंगाबाद, सीवान और पूर्णिया, सहरसा और सीवान, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि रोहतास और औरंगाबाद। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता? विद्यालय में पढ़ाते एक अध्यापिका, ठेकेदार के लिए काम करने वाला एक दिहाड़ी मजदूर, अपने घर में काम करने वाला एक हथकरघा बुनकर। इसके बाद इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका पहला, विद्यालय में पढ़ाती एक अध्यापिका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है ऋण की शर्तों में संपार्श्विक सहित शामिल है ब्याज दर, पुनर्भुगतान का तरीका, दस्तावेजीकरण की आवश्यकता, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक, सही ऑप्शन में क्या जाता है उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है सरकार द्वारा निर्धारित व्यापार बाधाओं या प्रतिबंधों को हटाना कहलाता है भूमंडलीकरण, निजीकरण, निवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निवारण पाने के उपभोक्ता अधिकार के अंतर्गत आता है अनुचित व्यापार कार्यप्रणाली के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, सेवा प्राप्त करना या जारी रखना या ना रखने का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक इसमें से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कोरपा के बारे में सत्य है? यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 अधिनियम को संदर्भित करता है। कोरपा के तहत दो स्तरीय अर्ध न्यायपालिका मशीनें स्थापित की गई हैं। कोरपा केवल वस्तुओं पर लागू होता है। उसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधिनियम को संदर्भित करता है कोरपा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है हमें गरीबी कम करने के लिए बिहार सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई है? एमजी, नरेगा, जीविका, एमएमए और उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि जीविका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया किस देश में खाद्य सुरक्षा तभी सुनिश्चित होती है जब भोजन की उपलब्धता हो, अभिगम्यता हो, सामर्थ्य हो, इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि इसमें से एक से अधिक सही होंगे, यानी कि इन सब की आवश्यकता हमें होगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंत्योदय अन्न योजना जुड़ी है मध्यांतर आहार से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से, खाद्य पोषण से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अल्प रोजगार का अर्थ है जब लोग काम करने के इच्छुक नहीं हैं, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों, जब लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, उपयुक्त में से एक से अधिक सही या इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, जब लोग अपनी क्षमता से कम काम कर रहे हों तो उसे कहा जाता है अल्प रोजगार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश रोजगार स्तर पर पांचवी सर्वेक्षण करता है? राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन NSO, उसके बाद नंबर दो आपका है भारत की जनगणना, उसके बाद नंबर तीन ऑप्शन आपका निकल कर आता है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शन सर्वेक्षण संगठन जो आपका है पंचवार्षिक सर्वेक्षण करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख। सकल घरेलू उत्पाद में क्षेत्रों के योगदान का
उच्चतम से निम्नतम तक सही क्रम चुनिए। तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, निर्माण क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। उसके बाद ऑप्शन इसमें से एक से अधिक सही है और अगला ऑप्शन आपका इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका ए, यानी कि पहला तृतीयक क्षेत्र, उसके बाद आएगा निर्माण क्षेत्र, फिर आएगा कृषि क्षेत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया गया है, वैश्वीकरण की प्रक्रिया को सुगम बनाया है व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने, उसके बाद कृषि क्षेत्र में वृद्धि ने, उच्च टैरिफ दर ने, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला, व्यापार और निवेश नीतियों के उदारीकरण ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा भूमि, भवन आदि जैसी संपत्ति खरीदने के लिए खर्च किया गया धन कहलाता है घरेलू निवेश, विदेशी मुद्रा, विदेशी निवेश, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, विदेशी निवेश। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है, एक परिसंपत्ति जिसे उधारकर्ता ऋणदाता की पुनर्भुगतान गारंटी के रूप में उपयोग करता है उसे कहा जाता है अग्रिम, जमा राशि, संपार्श्विक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि संपार्श्विक। क्या निकल कर आता है? संपार्श्विक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता, इच्छाओं का दोहरा संयोग, विनिमय के लिए वस्तुओं की उपलब्धता, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन निकल कर आता है आपका पहला, विनिमय के माध्यम के रूप में धन की उपलब्धता। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ऋण के औपचारिक स्रोतों के कामकाज की निगरानी किसके द्वारा की जाती है? केंद्र सरकार, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक। इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2017-18 में बिहार की अर्थव्यवस्था की विकास दर 5% थी, जबकि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की विकास दर 7% थी। 2016-17 में तृतीयक क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर दर्ज की गई। 2016-17 में निर्माण क्षेत्र द्वारा उच्चतम विकास दर्ज की गई। अगला ऑप्शन है इसमें से सारे सही हैं और उसके बाद इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि इसमें एक से अधिक सही है। ठीक है, ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, का अर्थ किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना है। किसका? निम्न गुणवत्ता वाला उत्पाद, मिलावट, सम्मिश्रण, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी। ठीक है, यानी कि मिलावट का अर्थ है किसी खाद्य पदार्थ में कोई अन्य पदार्थ कर मिलाकर उसकी गुणवत्ता कम करना। अगला क्वेश्चन देखिए, जीवन और संपत्ति के लिए खतरनाक वस्तुओं और सेवाओं का विपणन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है? संरक्षित होने का अधिकार, सूचित होने का अधिकार, आश्वस्त होने का अधिकार, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला, संरक्षित होने का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मुद्रा के आधुनिक रूप की कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता है? यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है, यह कीमती धातु से बना है, यह वाणिज्य बैंकों द्वारा जारी किया जाता है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, या इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला, यह देश की सरकार द्वारा अधिकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव विकास रिपोर्ट 2023 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश HDI में भारत से ऊपर है? पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, उपयुक्त में से एक से अधिक सही, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, बांग्लादेश। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक नवीकरणीय संसाधन है? भूजल, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, इसमें से एक से अधिक सही, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका पहला, भूजल। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक गतिविधियों को किसके आधार पर सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में वर्गीकृत किया जाता है?
आर्थिक गतिविधि की प्रकृति पर, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी, किसी उद्यम में श्रमिकों की संख्या, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं की डिलीवरी। ठीक है, निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले की जनसंख्या 2011 की दशकीय वृद्धि 25% से अधिक है? दरभंगा, सिवान, नवादा, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नदी पशुपालन कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है? नदियों से मछली ब्रूडर का संग्रह और एकत्रित ब्रूडर का कृत्रिम प्रजनन, मछली के बच्चों को चिन्हित नदियों में से जमा करना। उसके बाद ऑप्शन है आपका चिन्हित नदियों में शुद्ध जर्म प्लाज्म की बहाली, उसके बाद उपयुक्त में से एक से अधिक, उसके बाद है इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अस्थिरता और पूंजी खोने के जोखिम के दृष्टिकोण से लिक्विड फंड निवेशकों के लिए एक सुरक्षित विकल्प है। लिक्विड फंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लिक्विड फंड मुद्रा बाजार के साधन है, उसके बाद लिक्विड फंड इक्विटी फंड है, लिक्विड फंड को सेबी द्वारा विनियमित किया जाता है, उसके बाद इसमें से एक से अधिक सही है, इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका ए, यानी कि लिक्विड फंड मुद्रा बाजार का साधन है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मौद्रिक मूल्य कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद, राष्ट्रीय आय, शुद्ध घरेलू उत्पाद, इसमें से एक से अधिक सही, इसमें से कोई सही नहीं है। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, सकल घरेलू उत्पाद। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक का राष्ट्रीयकृत संस्करण है, नीति आयोग बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI के लिए नोडल एजेंसी है, उसका तीसरा ऑप्शन आपका दिया है MPI की बेस लाइन रिपोर्ट, चौथे राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण NFHS पर आधारित है, उसके बाद चौथा इसमें से एक से अधिक सही है या इसमें से कोई सही नहीं है। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। ठीक है, उपयुक्त में से एक से अधिक सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय एवं राज्य भंडारण निगम का उद्देश्य है भंडारण सुविधाएं प्रदान कराना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, नए कृषि उपकरण उपलब्ध कराना, खाद्य उपलब्ध कराना। अब इसमें ऑप्शन देंगे इसमें कौन सा सही है, तो देखिए केवल एक सही है, केवल एक और तीन सही है, केवल तीन सही है, या उपयुक्त में से एक से अधिक से, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें आपका निकल कर आता है ए, यानी कि केवल एक इसमें सही था ये, इसलिए आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, भंडारण सुविधाएं प्रदान कराना, इसका सही ऑप्शन निकल कर आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में मुद्रा आपूर्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? M3 सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति माप है, M2 सबसे अधिक मुद्रा आपूर्ति माप है, उसका दिया है MI सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति है, उसके बाद आपका दिया गया उपयुक्त में से एक से अधिक से, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, जो M1 है आपका, ये सबसे अधिक तरल मुद्रा आपूर्ति की माप है M1। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी बिहार में जलवायु लचीले कृषि कार्यक्रम की विशेषता है? विकसित फसल कैलेंडर के अनुसार फसलों की समय पर योजना के आधार पर फसल प्रणाली का परिचय, जल पोषण एवं खरपतवार के लिए सर्वोत्तम प्रबंधन पद्धतियां, उसके बाद दिया गया उपलब्ध मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों के अनुसार व्यवहार, फसल विविधीकरण, उपयुक्त में से एक से अधिक, इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से बिहार स्टार्टअप नीति 2022 का सही उद्देश्य
है इसको चुनिए। स्टार्टअप को उनकी व्यवहार्यता बढ़ाने के लिए सीड फंडिंग के साथ साथ समान अनुदान द्वारा समर्थन देना अगला ऑप्शन है। विश्वविद्यालय स्कूलों में शिक्षण मॉड्यूल शुरू करके शिक्षा के माध्यम से उद्यमिता को प्रोत्साहित करना। उसके बाद है इन क्यूबेटरों के विकास को सुविधाजनक बनाना और मौजूदा इनक्यूबेटरों सामान्य बुनियाद ढांचे के स्थानों सहकार्यशील विस्तार का समर्थन करना। उसके बाद है उपयुक्त में से एक से अधिक, उसके बाद इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल नहीं है। जिला फोरम में एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता शामिल होगी। राज्य उद्योग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो है या रहा है। जिला फोरम में चार सदस्य होंगे। उसके बाद दिया है राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में एक व्यक्ति शामिल होगा जो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश है। ठीक, फिर इसमें दिया गया कौन सा ऑप्शन आपका सही है, सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, केवल एक सही, एक और चार सही, केवल तीन सही। तो केवल तीन इसमें आपका ऑप्शन सही है, सी वाला। ठीक है, यानी कि जिला फोरम में चार सदस्य होंगे, ये ऑप्शन आपका सही है। लेकिन इसमें आपको चुनना कौन था, सी इसमें होगा सही। ठीक, तो इस प्रकार से हमारे जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन आए थे 40 वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम क्वेश्चन देखेंगे जो हमारे पॉलिटी में पूछे गए थे। ठीक है, तो हम चलते हैं पॉलिटी की ओर, देख लेते हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन। ठीक है, तो देखिए इसमें पहला क्वेश्चन हमारा निकल कर आता है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किसको राष्ट्रभाषा का दर्जा दिया गया है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उसके बाद आपको उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आपसे निकल कर आता है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, इंदिरा गांधी। उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि राजकुमारी अमृत कौर, ये भारतीय कैबिनेट में पहली महिला थी। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक थे सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, चितरंजन दास। उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि सी राजगोपालाचारी। अगला क्वेश्चन देखते, राष्ट्र निर्माण के आधारभूत दृष्टिकोण में क्या सम्मिलित नहीं है। नीति निर्माण में क्षेत्रीय मुद्दों पर पर्याप्त ध्यान दिया जाना, विभिन्न संस्कृतियों की विशेषताओं को छोड़े बिना संयुक्त सामाजिक जीवन, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अभिव्यक्त को राष्ट्रीय विरोधी मानना। उसके बाद है इसमें से एक से अधिक से, इसमें से कोई सही नहीं है। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, क्षेत्रीय आकांक्षाओं की राजनीति अव्यक्त को राष्ट्रीय विरोध मानना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1950 को। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि 26 जनवरी 1949 को। अगला क्वेश्चन देख, इनमें से कौन संविधान सभा के उपाध्यक्ष थे, एससी मुखर्जी, के एम मुंशी, चितरंजन दास। उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, एचसी मुखर्जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के नीति निदेशक तत्व लिए गए हैं कनाडा के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से। उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से किसी से नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, आयरलैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किसका संबंध राज्य चुनाव आयोग से है, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम, 67वां संविधान संशोधन अधिनियम, 54वां संविधान संशोधन अधिनियम। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका पहला, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, बहुदलीय व्यवस्था, स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि
उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देख, असत्य कथन की पहचान कीजिए। लोकसभा का प्रथम आम चुनाव वर्ष 1951 में आयोजित हुआ, ये तो आपका सही है। स्वतंत्रता के बाद भारत में चुनावों के लिए निर्वाचन क्षेत्र के सभी प्रत्याशियों के नाम वाले पदों का उपयोग हो रहा है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। उसके बाद अगला देखते हैं, 1990 के दशक के अंत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के द्वारा मतपत्रों से मतदान की व्यवस्था विस्थापन शुरू कर दी गई, ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो कह रहे हैं उपयुक्त में से अधिक, क्या ये भी गलत है? तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है क्योंकि सारे सही हैं। तो इसमें से जो असत्य हो आपके एक भी नहीं, यानी कि ऑप्शन होगा ई, सारे इसमें क्या है, सत्य हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध परमादेश से है? न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा है और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। अगला ऑप्शन है आपका, यदि न्यायालय को यह पता लगता है कि कोई व्यक्ति किसी पद विशेष को धारण करने अधिकारी है तो अधिकारी न होते हुए भी उस पद को धारण किए हुए है तो न्यायालय उस व्यक्ति को पद धारक होने से रोक सकता है। न्यायालय यह आदेश देता है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके सामने उपस्थित किया जाए। उपयुक्त में से एक से अधिक सही है या इसमें से कोई सही नहीं है? तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है पहला, यानी कि न्यायालय यह देखता है कि कोई पदाधिकारी अपना विधिक कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा हो और किसी व्यक्ति के अधिकार का अतिक्रमण कर रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324(1) संबंधित है उपराष्ट्रपति से, निर्वाचन आयोग से, न्यायपालिका से, इसमें से एक से अधिक से, इसमें से किसी से नहीं? तो सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, निर्वाचन आयोग से। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, संघ सूची के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? हमें असत्य कथन चुनना है। तो इसमें देखते हैं, हमारा पहला है, संघ सूची में प्रतिरक्षा, विदेशी मामले, बैंकिंग जैसे राष्ट्रीय महत्व के विषय हैं, ये भी आपका सही है। उसका देखते हैं, पूरे देश में के लिए इन मामलों में से एक तरह की नीतियाँ की आवश्यकता है, इसी कारण इन विषयों को संघ सूची में डाला गया, ये भी आपका ऑप्शन सही निकल कर आता है। फिर है, संघ सूची में वर्णित विषयों के बारे में कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को, ये भी आपका ऑप्शन सही है। इसमें से एक से अधिक सत्य हैं तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाता है, ये आपका सही, इसमें कोई भी असत्य ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य ने भारत में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार को चुना? उत्तर प्रदेश, केरल, बिहार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, केरल। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आधारभूत संरचना सिद्धांत के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, यह एक भारतीय न्यायिक सिद्धांत है, ये भी आपका ऑप्शन सही है। यह सिद्धांत केशव नंद भारती केस में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर आधारित है, ये भी ऑप्शन आपका सही है। उसके बाद दिया गया है, यह केवल संवैधानिक संशोधनों पर लागू होता है, ये भी सही है, यानी कि सारे ऑप्शन में आपके सही निकल कर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन दिया गया है, भारत के नियोजित विकास मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा गलत कथन को चुनिए। ठीक है, यह मॉडल विकास के USSR मॉडल को से प्रेरित था, ये तो आपका सही है। अगला देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारूप दस्तावेज को 1951 में जारी किया, ये भी आपका सही है। उसका देखते हैं, PC महालनोबिस प्रथम पंचवर्षीय योजना के वास्तुकार थे, ये ऑप्शन आपका निकल कर आता है गलत। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन इसमें कौन सा हो जाएगा? सी, क्योंकि हमसे कहा था गलत ऑप्शन को चुनिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के अनुसार संघीय विधायी निकाय को कहा जाता है केवल लोकसभा, केवल राज्यसभा, संसद, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका सी, संसद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से संसद के अंतर्गत कौन आता है? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, उपयुक्त में से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं? सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका डी, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक, सभी किसमें आते हैं? आपके संसद के अंदर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1990 के पश्चात भारतीय राजनीति
युग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, यह आर्थिक सुधारों पर आम सहमत का युग है, ये तो आपका सही है। यह गठबंधन सरकारों का युग है, ये भी सही है। यह संघ बाहर के स्वायत्तता के लिए प्रांतीय आकांक्षाओं में वृद्धि का युग है, भी सही है। यानी कि सारे सही हैं, तो उपयुक्त में से सारे सही हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने सरकार के लिए अनिवार्य है? अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 340, अनुच्छेद 249, ये सारे आवश्यक हैं, इसमें से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका बी, अनुच्छेद 340। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के संशोधन में सम्मिलित होता है? राष्ट्रपति, संसद, न्यायपालिका, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या एक ही व्यक्ति को एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? हाँ, नहीं, अस्थाई तौर पर ही मात्र, उपयुक्त में से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। तो सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका पहला, यानी कि एक से अधिक जगह पर राज्यों में एक ही राज्यपाल को नियुक्त किया जा सकता है। तो पहला ऑप्शन इसमें आपका होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समवर्ती सूची का उल्लेख है 5वीं अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में, 7वीं अनुसूची में, इसमें से एक से अधिक में, इसमें से किसी में नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सातवीं अनुसूची। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सार्वभौमिक मताधिकार का अर्थ है कि मत देने का अधिकार नियंत्रित नहीं होता है, जाति या लिंग से, आस्था से, संपत्ति से, उपयुक्त में से एक से अधिक से, या इसमें से किसी से नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? भारत के मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्य निर्वाचन के आयुक्त, उपयुक्त में से एक अधिक, या इसमें से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अनुच्छेद 280 संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग से, बिहार लोक सेवा आयोग से, वित्त आयोग से, उपयुक्त में से एक से अधिक से, या इसमें से किसी से नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, वित्त आयोग से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौलिक कर्तव्यों को किस समिति की सिफारिश पर संविधान से जोड़ा गया है? स्वर्ण सिंह समिति, शाह समिति, जस्टिस वर्मा समिति, इसमें से एक से अधिक सही है, या इसमें से कोई सही नहीं है। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका स्वर्ण सिंह समिति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली है? कनाडा, भारत, यूनाइटेड किंगडम, इसमें से एक से अधिक, या इसमें से किसी में नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला। अगला क्वेश्चन हमारा, ताड़ी विरोध आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई? आंध्र प्रदेश, केरल, उड़ीसा, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला, आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐसे विधेयक जिनमें स्पष्ट रूप से करारोपण या करों की समाप्ति से संबंधित प्रावधान होते हैं, उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? धन विधेयक, वित्त विधेयक, साधारण विधेयक, उपयुक्त में से एक से अधिक, या इसमें से कोई नहीं। सही आपसे इसमें निकल कर आता है आपका पहला, धन विधेयक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से किसका लोकतंत्र के विचार में विश्वास नहीं है? उदारवादी, कट्टरपंथी, समाजवादी, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि कट्टरपंथी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लोकतंत्र के अंतर विरोधों को इंगित करने के लिए किसने द एप्पल कार्ट नामक नाटक लिखा? विलियम शेक्सपियर ने, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने, मुकल राज आनंद ने, इसमें से एक से अधिक ने, इसमें से किसी ने नहीं। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द बर्डन ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? महेंद्र प्रताप सिंह, भानु मेहता, पाल ब्रास, उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है आपका बी, यानी कि भानु प्रताप मेहता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत के संविधान को किसने बनाया? ब्रिटिश संसद ने, गवर्नर जनरल की परिषद ने, भारत की संविधान सभा ने, उपयुक्त में से एक से अधिक ने,
या इसमें से किसी नहीं, सही आंसर में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि भारत की संविधान सभा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश ने एकदम आरंभ से ही अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वैक्स मत का अधिकार लागू किया था? तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि भारत ने। भारत ने अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था में सार्वभौमिक वैक्स मताधिकार लागू किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में एक बहुमतवादी लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था का होना माना जाता है? श्रीलंका, ब्रिटेन, दक्षिण कोरिया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका श्रीलंका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? छावनी बोर्ड, पंचायत, नगर निगम, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका बी, यानी कि पंचायत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था में सत्ता संघर्ष का सबसे सुंदर प्रकार निम्नलिखित में से कौन सा है? चुनाव, विद्रोह, जन आंदोलन, इसमें से एक से अधिक या इसमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला चुनाव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें से किसे भारत में लोकतंत्र को गहरा करने का श्रेय दिया जाता है? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, चारू मजूमदार, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका पहला जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा है, इसमें से किस सिद्धांतकार ने लोकतंत्र शब्द को बहुतंत्र शब्द से स्थानापन्न करना चाहा? हेरोल्ड लास्की ने, जार्ज सबाइन ने, रॉबर्ट डहल ने, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से किसी ने नहीं। तो सही ऑप्शन में निकल कर आता है आपका सी, यानी कि रॉबर्ट डहल। ठीक है, तो इस प्रकार ये आपके पॉलिटी के क्वेश्चन हो जाते हैं। हमने आपके 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इसमें इकोनॉमिक्स के, और 40 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं आपके पॉलिटी के। ये क्वेश्चन हैं जो कि आपको 10 दिसंबर को पेपर में पूछे गए थे आपके 6 से 8 के एग्ज़ाम में। ठीक है, आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि आप और किस पर प्रीवियस ईयर के पेपर चाहते हैं, या जो पेपर हैं वो पेपर चाहते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।